हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्जी। वो भी रसेदार। ये मेरी भिंडी है, थोड़ी सी मैंने काट ली है, थोड़ी बची है वो भी काट के। फिर आपसे मिलते हैं, कैसे बनाते हैं रसेदार भिंडी। बने रहिए मेरे वीडियो में, आगे आगे देखिए। हेलो दोस्तों, अभी मैंने काट के ऐसा कर लिया है। अभी हम मसाला बनाने चले, देखते हैं क्या क्या लेते हैं मसाले में। देखिए ये क्या है, लाल मिर्ची ली है हमने, थोड़ा सा लेंगे, और हल्दी थोड़ा सा, नमक टेस्ट अनुसार, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा सा धना लेंगे, सूखा धना। ये मेरा मसाला रेडी है, अभी इसमें हम पानी गल लेते हैं। मेरा वीडियो देख बने रहे मेरे वीडियो में। मैं अभी इनको तेलुगु में भी बताऊंगी, भिंडी को क्या बोलते हैं, लहसुन को क्या बोलते हैं, मिर्ची को क्या बोलते हैं, टमाटर को क्या बोलते हैं, प्याज को क्या बोलते हैं, इन सारे को नाम मैं बताऊँ, इन सारी चीज़ों का नाम मैं तेलुगु में भी बताऊँगी। इसलिए मेरा वीडियो देखते रहिए। अभी इसमें मैं पानी लेके आती हूँ, मैंने पानी मिला लिया है इसमें। जब तक मैं गैस लगाती हूँ, जब तक ये फूलेगा, देखते आगे। अभी मैंने गैस लगा ली है, अभी मैं गैस चालू करती हूँ। गैस भी चालू कर ली है, अब मैं डालूंगी तेल इसमें। मैं इसमें डालती हूँ, ज़्यादा तेल नहीं डालूंगी मैं इसमें, इसमें मैं थोड़ा तेल डालने वाली हूँ। मैंने थोड़ा तेल डाला है, आपको दिख भी रहा होगा, थोड़ा तेल ही लिया है। मेरी भिंडी भी थोड़ा है, इसलिए मैंने थोड़ा ही तेल लिया है। अभी तेल हो गया, मैं डालूंगी जीरा। मैंने जीरा डाल दिया, अभी डालूंगी मिर्ची। मिर्ची को पची मुकाया बोलते हैं तेलुगु में, और लहसुन को बोलते हैं तिलगड्डा। अभी डालेंगे प्याज, मेरा ये हो गया है। मैंने जल्दी में प्याज को नहीं बता पाया क्या बोलते हैं तेलुगु में। देखो मैं फिर से सब कुछ बता देती हूँ, किसे क्या बोलते हैं। लहसुन को बोलते हैं तिलगड्डा, और प्याज को बोलते हैं यरगड्डा, और हरी मिर्च को तो मैंने बताया था पची मिलकाया बोलते हैं, पची मिलकाया बोलते हैं हरी मिर्च को। अभी आपको तो अच्छे से मालूम चल गया होगा किसे क्या बोलते हैं तेलुगु में। अभी मेरा मसाला खोलने लगा, अभी हम डालेंगे टमाटर, अभी हम टमाटर डालेंगे। अभी टमाटर को भी बोलेंगे आप क्या बोलते हैं तेलुगु में, टमाटर को टमाटा बोलते हैं तेलुगु में, टमाटा बोलते हैं टमाटर को। अभी थोड़ा पकने देते हैं,
ऐसे तेलुगु में सब्जियों के बारे में सीखने के लिए, जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मैं वीडियो डालूं तो आपके पास पहुंचे, आपको तेलुगु सीखने को मिले मेरे साथ। देखिए मेरा मसाला हो गया है, थोड़ा सा टमाटर पकने में, पका नहीं है मेरा टमाटर, अभी हम टमाटर को पकाएंगे अच्छे से। थोड़ी गैस को शुरू कर लेते, अभी मेरा एक हो गया है मसाला रेडी। अभी मैं डाल दूंगी भिंडी, अभी मैंने भिंडी का नाम नहीं बताया तेलुगु में क्या बोलते हैं। अभी हम भिंडी में थोड़ा पानी डालेंगे, मैं बना रही हूँ रसेदार भिंडी, वो आपको मालूम है, पहले ही बता चुकी हूँ, मसालेदार रसेदार भिंडी। इसलिए मैं पानी ऐड कर रही हूँ, इतना पानी नहीं, अभी हम उसमें और पानी डालेंगे, इतना पानी तो वो सूख जाएगा, तो इसलिए हम अभी इसमें और पानी डालेंगे एक कटोरी। अभी एक कटोरी पानी डाल दिया था, अभी एक कटोरी और, अभी देखिए ऐसा हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है अभी मेरा पानी फिट है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, इसे हम थोड़ा ढक के पकाएंगे, जल्दी पक जाए। देखिए ढक दिया, अभी थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, फिर हम बताएंगे भिंडी को तेलुगु में क्या बोलते हैं, इसलिए मेरा वीडियो देखिए। चलिए अभी देखते हैं खोल के कैसे है। देखिए अभी ये पकी है, देख मेरे में ज़्यादा रसा नहीं है, इतना ही रसा मुझे चाहिए था। ये मेरी सब्जी बनके रेडी हो गई है भिंडी की रसेदार, देखिए रसा भी है भिंडी भी है। अभी हम इसमें ये धनिया डाल देंगे, धनिया को तो मालूम होगा, इसे कुतमीर बोलते हैं तेलुगु में। ये अभी रेडी हो गई है, अभी भिंडी को बोलते हैं क्या बोलते हैं, भिंडी को बोलते हैं भिंडकाया तेलुगु में, भिंडकाया तेलुगु में बोलते हैं भिंडी को। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करके बताएं मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।